Hello dear students, how are you? Hope you all are fine. In this video, we are going to do some examples of exercise 3.3. As you know that we have completed our exercise 3.3 and now I am just giving you the solution of some examples also so that the concept should be more clear to you. Okay students, now let us start. Example 15. I am talking about example 15. The question is find the value of 10, 13 pi by 12. 10, 13 pi by 12. Let us see students, as you can see the value of 13 pi. आप कैसे करें बेटा इस 13 pi by 12 को पहले आप change कर लीजिए, split up करेंगे हम इसको. किसमें स्प्लिट अप करेंगे 10, इस 13 पाई को आप 12 पाई प्लस पाई लिख लीजिए अपॉन 12 इस तरह से. अब हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये बन जाएगा आपका पाई और ये आ जाएगा पाई बाय 12 यानी 10 पाई प्लस पाई बाय 12. और 10 पाई प्लस पाई बाय 12 क्या होता है, ये आपका बन जाएगा पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी सेम ही रहेगी यानी 10 पाई बाय 12 और पाई प्लस समथिंग इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज पॉजिटिव तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 पाई बाय 12. अब 10 पाई बाय 12, पाई बाय 12 का मीनिंग क्या है, पाई बाय 12 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, पाई बाय 12 की वैल्यू होती है आपकी पाई इज 180 अपॉन 12. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं बेटा 12 वन जा 12 एंड 12 फाइव जा 60. इट मींस यू कैन राइट दिस 12 पाई बाय 5 10 पाई बाय 12 क्या लिख सकते हैं आप इसको, इसको आप लिख सकते हैं 10 15 डिग्री. अगर आप रेडियन की बजाय इसको डिग्री में लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे 10 15 डिग्री. अब 15 डिग्री की वैल्यू तो आपने बेटा टेबल में पढ़ी हुई है जो हमने टेबल लर्न की हुई है. आप 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. 45 माइनस 30 यहाँ अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, टेंजेंट वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम और माइनस का साइन है. तो कौन सी आइडेंटिटी बनी आपकी 10 ए माइनस बी. व्हाट इज 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी इज 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी. ये आप आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज करिए. देखिए क्या बन जाएगा बेटा 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30. Now, 10, 45, अब इन सबकी टेबल वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि हमने टेबल वैल्यूज को 10 क्लास में भी लर्न किया हुआ है. तो 10, 45 is 1, 10, 30 is 1 by root 3 और इसको भी आप लिखेंगे 1 and 1 by root 3. अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे रूट थ्री तो क्या बनेगा ये रूट थ्री माइनस वन और डिनोमिनेटर में बन जाएगा रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री. रूट थ्री से रूट थ्री को आप कैंसिल कर लीजिए, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस. चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी. क्या करें रेशनलाइज करने के लिए, रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. न्यूमिनेटर में ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा रूट थ्री माइनस वन का और आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस टू रूट थ्री और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे आप, ये आपके पास आ जाएगा फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू और चाहे तो टू कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू माइनस रूट थ्री. ठीक है बेटा, तो इसमें आपने क्या सीखा, जब आपके पास जो एंगल है वो बड़ा है पाई से तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस एंगल को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. इस एंगल को स्प्लिट अप कर लिया हमने इस फॉर्म में, 13 पाई बाय 2 को क्या लिख लिया आपने 12 पाई प्लस पाई अपॉन 12 और अलग अलग कर लिया है दोनों को. यहाँ आ गया पाई
प्लस पाई बाय 12, फिर आप इसको चेक करिए अच्छे से कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है और पाई पे वैल्यू भी चेंज नहीं होती है, तो 10 पाई बाय 12 थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से 10 आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो 10 पाई बाय 12, 10 पाई बाय 12 को अगर आप डिग्रीज में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या है 10 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की टेबल वैल्यू आपको नहीं पता है तो हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए 10 15 डिग्री को लिख रहे हैं, 10 15 को लिख लिया हमने 45 माइनस 30, यानी हमने इस एंगल को उन एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया जिसकी एंगल वैल्यू आपको टेबल से याद है, तो उनमें कन्वर्ट करेंगे ताकि आप आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक तो आपको अच्छे से आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए सभी, और दूसरी बात ये है कि आपके पास जो टेबल वैल्यू जो हमने 10th क्लास में भी सीखी थी 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री इन सभी एंगल्स की वैल्यू आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। सो नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 13। द एग्जांपल 13 इज प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करेंगे आप, साइन x प्लस y अपॉन साइन x माइनस y इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y माइनस 10y। देखिए स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई को आप 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें आइडेंटिटीज लगा देते हैं। साइन एक्स प्लस वाई की क्या आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, और डिनोमिनेटर में माइनस वाली आइडेंटिटी लगाते हैं क्या आएगी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन। ये तो फॉर्मूला है बेटा, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है जो सीधी फॉर्मूला है आपके साइन सी प्लस डी में हमने इस फॉर्मूले को याद किया हुआ है, तो सी के प्लेस पे यहाँ एक्स है और डी के प्लेस पे वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई आपका क्या बन गया है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब बेटे बहुत ध्यान से देखना है आप इसको किससे डिवाइड करें ताकि ये मुझे टेंजेंट वाली फॉर्म का नजर आने लग जाए। देखिए आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है 10x और 10y, 10x और 10y, 10 हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको 10 बनाने के लिए यहाँ मुझे चाहिए cos x डिनोमिनेटर में और cos y आपका कैंसिल हो जाना चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, या आप ये कह सकते हैं डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, हम ये लिखते हैं डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y। देखिए वी गेट आपको क्या मिलेगा डिवाइड करने से cos x और cos y को, करिए डिवाइड बेटा हम कैसे लिखे sin x cos y प्लस cos x sin y, इसको डिवाइड करते हैं cos x cos y से और साथ साथ जो इसका डिनोमिनेटर है उसको भी डिवाइड कर लेते हैं sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन, डिवाइड करते हैं इसको भी किससे डिवाइड करना है cos x cos y, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लिया है डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लिया है, अब देखते हैं बेटा क्या बनेगा। देखिए जब मैं sin x cos y को इसके नीचे लिख दूंगी तो cos y से तो cos y आपका कट हो जाएगा और क्या बनेगा ये sin x by cos x, लिख लेते हैं हम इसको sin x by cos x, प्लस का साइन है। अब इस cos x cos y को इसके भी नीचे लिखेंगे तो cos x से cos x आपका कैंसिल हो जाएगा, बट यू विल गेट sin y by cos y, यहाँ आपके पास बचेगा sin y by cos y डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से देखना है, जब आप sin x cos y के नीचे लिखेंगे cos x एंड cos y तो cos y से तो cos y कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा sin x by cos x,
sin x by cos x. In the same way with the negative sign, आप क्या लिख सकते हैं, cos x से cos x आपका कैंसिल हो गया, sin y by cos y. यहां मैं लिख रही हूँ sin y by cos y. अब इजीली दिखाई दे रहा है बेटा आपको, sin y cos क्या होता है, tan x, और यहाँ आ जाएगा आपके पास tan y, और डिनोमिनेटर में tan x minus tan y, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही आपकी RHS है. तो हमने लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूफ कर दिया. देखिए बेटा क्या किया हमने, पहले हमने फॉर्मूलाज को खोल लिया, फॉर्मूला खोला, उसके बाद आप राइट हैंड साइड को ध्यान में रख के चलेंगे कि राइट हैंड साइड में टेन एक्स और टेन वाई की जरूरत है. तो इसको टेन एक्स कैसे बनाया जाए, जब इसको कॉस एक्स से डिवाइड करें, और कॉस वाई भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए. इसी तरह से आप सभी ने वो चीज चेक कर सकते हैं. तो हम क्या लिख रहे हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x and cos y. आप डिवाइड करेंगे तो बाकी सभी वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ वही टर्म्स बचेंगी जो आपको RHS प्रूफ करने के लिए चाहिए. चलिए आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल 14 में क्या गिवन है वो देखते हैं. एक बार पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या स्टेटमेंट है देखिए, शो दैट क्या शो करना है आपको, टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स. देखिए बेटा क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं हम प्रूफ करना चाह रहे हैं टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स को किससे इक्वल, टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स. अब सब लेफ्ट हैंड साइड में भी टेन ही है, राइट हैंड साइड में भी टेन ही है, यानी आइडेंटिटी आपको टेन वाली ही लगानी. फिर हमने एक और चीज देखी कि मेरे पास ये तो दो एंगल है ना, टू एक्स और एक्स, इन दोनों को एड करने से थ्री एक्स बन रहा है, तो मैं एडिशन वाला फॉर्मूला लगाना चाहूंगी किस पे, 2x और x पे. तो देखिए बेटा इसको कैसे स्टार्ट करें, मैं लिख रही हूं tan 3x को मैंने लिख लिया है tan 2x plus x. इजीली लिख सकते हैं आप इसको, 3x को 2x plus x लिखा जा सकता है. अब क्या करना है, अब आइडेंटिटी लगानी है, यानी फॉर्मूला लगाना है. मैं लिख लेती हूँ यूजिंग द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, tan प्लस वाला फॉर्मूला है तो tan a प्लस बी, क्या होगा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b. चलिए बेटा एक फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या वैल्यू आती है. चलिए हमने फॉर्मूला लगाया, क्या आया, tan 2x प्लस tan x अपॉन वन माइनस tan 2x इंटू tan x. इसके इक्वल है ये tan 3x. अब नेक्स्ट लाइन पे क्या करें हम, ये डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखिए क्या आएगा, tan 3x इंटू वन माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x. नेक्स्ट स्टेप के लिए बेटा क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए tan 3x को इस वैल्यू के साथ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट, tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, यानी मैंने tan 3x को 1 से भी मल्टीप्लाई कर लिया विद नेगेटिव साइन, tan 3x को नेक्स्ट स्टेप में इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, विच इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x. अब देखिए बेटा जो आपको प्रूफ करना है वो किस साइड का, जो आपको प्रूफ करना है उसमें ये वैल्यू तो एक साइड पे है और बाकी सभी टर्म्स एक साइड पे, तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों पॉजिटिव टर्म्स को लेफ्ट में ले आती हूँ. देखिए क्या लिख सकते हैं, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, दोनों राइट साइड वैल्यूज को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया है, विच इज इक्वल टू, और ये जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, विच इज इक्वल टू
10 3x into 10 2x into 10x. देखिए बेटा क्या यही आपका प्रूफ करने वाला था, यही आपको शो करना था. सिर्फ क्या फर्क है, जो राइट वाला वाली टर्म है वो आपको लेफ्ट में लिख के दी हुई है, जो आपकी राइट वाली टर्म थी वो लेफ्ट में, और लेफ्ट वाली टर्म आपकी राइट में लिख के दी हुई है. तो ये आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं. ये प्लानिंग आपको खुद करनी होगी. इस टाइप की प्लानिंग की एंगल आपके पास क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, एंगल इसमें गिवन है 3x 2x एंड x. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 10 वाला ही फॉर्मूला लगे, और दो एंगल्स आप ऐसे चूज कर लीजिए जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उस टाइप की वैल्यू आपको मिल सके. तो इस तरह की प्लानिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा. साथ में फॉर्मूला जरूर मेंशन करिए, जो भी फॉर्मूला आप उस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 15. देखते हैं एग्जाम्पल 15 में क्या स्पेशल है. एग्जाम्पल 15 क्या है आपका? प्रूफ दैट, आपको प्रूव करना है कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स. इसको आप किसके इक्वल प्रूफ करेंगे? इसको आप इक्वल प्रूफ कर रहे हैं रूट 2 cos x. ध्यान से देखिए बेटा, cos pi by 4 plus x and cos pi by 4 minus x, और इसको आप प्रूव करना चाहते हैं इस वैल्यू के इक्वल. तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ये क्या नजर आ रहा है आपको, किस टाइप का फॉर्मूला नजर आ रहा है? cos c plus cos d. तो आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे या फॉर्मूला लगाएंगे किस वाला? cos c plus cos d वाला. तो मैं पहले फॉर्मूला ही लिख लू. यूजिंग द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाया जी हमने? cos c plus cos d. ये फॉर्मूला होता है आपका 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं ये आपकी क्या वैल्यू बनेगी. तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास ये c है और ये क्या है? d. करते हैं अप्लाई फॉर्मूला. क्या बनेगा ये? 2 cos c plus d, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर लिया, इंटू cos c minus d, c माइनस और माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा बाय 2 cos c plus d by 2 इंटू cos c माइनस माइनस है तो मैंने इसकी साइंस चेंज कर दिए हैं बाय 2. नाउ कैंसिल करते हैं बेटा, इसमें x कैंसिल हो रहा है, इसके अंदर पाई बाय 4 कैंसिल हो रहा है. अब लिखते हैं क्या वैल्यू बची. 2 cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, दोनों को मिलाओगे आप तो ये बनेगा आपका पाई बाय 2, और पाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो आप इस तरह से लिख पाएंगे इसको. आगे देखते हैं cos, ये आ गया 2x, x plus x 2x बन गया, डिनोमिनेटर में भी 2, तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में 2 cos pi by 4 into cos x. अब cos pi by 4, pi by 4 का मतलब है बेटा 45 डिग्री. cos 45 क्या वैल्यू देता है? cos 45, cos 45 होता है 1 by root 2 into cos x. अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. रूट टू को अगर आप 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास रूट 2 आ जाएगा. क्या लिख सकते हैं इसको? रूट 2 कॉस एक्स. और अगर आप देखेंगे ऊपर तो यही आपकी राइट हैंड साइड भी थी, रूट 2 कॉस एक्स. तो ये आपका आर एच एस के इक्वल आ. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा बेटा? इस क्वेश्चन में हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखा. लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि ये cos c plus cos d टाइप का दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले वो फॉर्मूला ही लिख लिया cos c plus cos d वाला. क्या फॉर्मूला लिखा? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, और उसके बाद ये आपकी वैल्यू c है, ये आपकी वैल्यू d है, और इसको अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते. Now let us take one more example. Example 16 easy है, आप आराम से कर पाएंगे.
मैं एग्जांपल 17 की बात कर रही हूँ, तो हम एग्जांपल 17 देखते हैं। क्या आपका एग्जांपल 17 है? एग्जांपल 17 में कह रहा है आपको प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस एक्स। इसके इक्वल प्रूफ करेंगे हम, इसको इक्वल प्रूफ कर रहे हैं 10x, 10x के इक्वल प्रूफ करेंगे आइडेंटिटीज को यूज करके। तो बेटा देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, और तीन टर्म्स दी हुई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x और साइन एक्स। तो 2 वाले के ऊपर तो फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, मैं इस साइन 5x के साथ साइन x को लिख लेती हूं। देखिए एक बार हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन 5x प्लस साइन x, इसको इकट्ठा कर लिया और माइनस 2 साइन 3x को पीछे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं cos 5x माइनस cos। अब देखिए बेटा, अब कुछ आपको फॉर्मूला नजर आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन सी प्लस साइन डी, और डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस सी माइनस कॉस सी। तो मैं पहले यहां दोनों ही फॉर्मूले लिख देती हूँ यूजिंग द फॉर्मूला। हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहला फॉर्मूला है आपका साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। साइन वाले फॉर्मूले में पहले साइन लिखते हैं, प्लस वाले फॉर्मूले में साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। साथ साथ ये जो फॉर्मूला यूज करना है ये भी लिख रही हूं मैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है बेटा, स्पेशल फॉर्मूला है, इसमें आप माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा बहुत अच्छे से, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं करेंगे आपको क्लियर ही नहीं होगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैंने रिजल्ट्स को कंबाइन किया, उसके बाद देखा कि इसमें तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और इस नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लीजिए, आप अप्लाई करके देखते हैं इस वैल्यू में, ये बन गया है आपका sin c प्लस sin d। तो क्या बना, 2 sin c प्लस d यानी 5x प्लस x, ये बन गया आपका 6x बाय 2 माइनस 2 sin 3x, सॉरी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी 5x माइनस एक्स 4x बाई 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी। फिर फॉर्मूला लगाया वहां से देख के, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी दोनों को आप ऐड करिए बाय 2 इंटू साइन, एक बार सेपरेट कर दीजिए 4x आ जाएगा बाय 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन, ये बन गया 3x, ये आ गया cos, ये आया 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। कुछ कॉमन निकलता है तो वो चेक करिए आप, 2 साइन 3x, 2 साइन 3x, और डिनोमिनेटर में भी है 2 साइन 3x, तो आप 2 साइन 3x को न्यूमरेटर से कॉमन निकालिए, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट cos 2x, cos 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर भी लिख लीजिए 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। चलिए बेटा ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, और ये जो माइनस वाला साइन था इसको मैं अगर ऊपर लिख लूं तो इन वैल्यूज के साइन आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखे यहाँ पे हम वैल्यू, मैं इसको इस लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। इस पे भी फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, 1 माइनस कॉस 2x होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x,
इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल रिजल्ट है ये, 2x को किसमें कन्वर्ट कर देगा, x में, और इन द सेम वे साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, ये भी हाफ एंगल रिजल्ट है। तो हमने ये दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, साइन x से 1 साइन x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास आ गया है साइन x बाय कॉस एक्स, एंड साइन x बाय कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 10x, और 10x ही आपकी राइट हैंड साइड है, आपको राइट हैंड साइड में 10x ही प्रूव करना है। तो बेटा बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, फॉर्मूलाज पे भी आपको देखना है कि आप किस क्वेश्चन में किस टाइप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सभी फॉर्मूलाज को क्वेश्चन के साथ साथ लिखिए ताकि आप उसको देख देख के फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते, और बार बार लिखेंगे तो फॉर्मूलाज आपको लर्न भी हो जाएंगे, इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, जैसे आपने टेबल वैल्यू लर्न की थी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स और करने से अब हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच बेटा।